भारत की सबसे बड़ी शादी समाप्त हो गई है। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे, मैं आपके साथ हिमानी कंधारी। मैं बात कर रही हूँ अंबानी फैमिली के छोटे बेटे की। जी हाँ, जिस शादी का एक्सपेंडिचर करीबन 5,000 करोड़ तक का था, और कहा जा रहा है कि ये जो शादी थी मार्च में शुरू हुई थी और 13 जुलाई को जाकर ख़त्म हुई है। हम आपको बता दें, इस शादी में प्री वेडिंग, पोस्ट प्री वेडिंग, वेडिंग जैसे इवेंट शामिल थे। और कहा यह भी जा रहा है कि जो ये शादी थी इसमें जो बारात का एक्सपेंडिचर था वो 132 मिलियन डॉलर्स तक का था। ये मैं बात कर रही हूँ सिंगल फंक्शन की। उसी के साथ इधर हमें काफ़ी सेलिब्रिटीज़ देखने को मिले, चाहे फिर बात की जाए इंटरनेशनल या नेशनल सेलिब्रिटीज़ की। तो चलिए इस पे जानते हैं आम लोगों का क्या कुछ कहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिखावा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुका है कि शादियों में आप सब देखते होंगे, इस टाइम पे शादियों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हर लोग खर्च करते हैं अपनी हैसियत से ज़्यादा। पर जो जैसे अब अंबानी सर का उनका हुआ है, उन्होंने जो अपनी शादी में खर्चा है, ये वो ही इज़ द बिगेस्ट बिजनेस मैन ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे सिर्फ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो ऐसे कर देंगे। ये उनका आई थिंक इट्स अ बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ हिम कि वो इनकी बीच में उनका कुछ बिजनेस होगा कि कोई कुछ होगा जिसकी वजह से, जैसे आप लगा लो कि साथ ही में बीच में वो हो चुके हैं, रिचार्ज महंगे हो गए। तो इट्स अ ट्रिक कि लोग उनकी शादी में बिजी है, उनकी शादी की में उनका सारा ध्यान, उन्होंने साथ में रिचार्ज भी महंगे कर दिए। तो ऐसे ही उनकी और भी बिजनेस इसमें हो सकती हैं। और साथ में ऑब्वियसली ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ द कंट्री, तो ऑब्वियसली स्टेटस सिंबल भी है, तो वो अपना पावर रिप्रेजेंटेशन भी उनकी है कि वो शादी में बता रहे हैं। पर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, साल के स्टार्टिंग से चल रही है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। हम भी वीडियोस देखते हैं जब रील्स पे, तो कहते हैं बस कर दो, अब हो गई है उनकी शादी, अब चलो। मैंने सुना है कि उन्होंने अपने बेटे की शादी करने से पहले 51 जोड़ों की शादी की है। इसका मतलब है कि वो अच्छे आदमी हैं, उन्होंने अच्छा काम किया पहले, तो अब अपने बेटे की शादी कर रहे हैं वो। तो इससे अच्छा है कि वो अगर जितना मर्जी पैसा उड़ाएं या जो मर्जी करें, मेरे को तो लगता है बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्योंकि जो काम उन्होंने पहले किया ना लोगों के लिए, गरीब लड़कियों की शादी की है उन्होंने, वो तो बहुत अच्छा काम किया है। इस पे एक क्या कहूँ मैं आपको, हमारे देश में 130 करोड़ के करीब जनता है, ठीक है। कुछ लोगों को मतलब बिना खाए सोना पड़ता है, और कुछ लोग इतने ज़्यादा अमीर हैं कि वो इतना दिखावा कर रहे हैं, इतने बाहर से स्टार्स को बुला रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में ये था नहीं कभी कि हम किसी को शो ऑफ करें, दिखावा करें, और ऐसे बड़े फंक्शन इसके मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते हम कि इतना ज़्यादा वायरल कर रहे हैं वो इसको, कि इतना ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि जो शो ऑफ करता है वही आगे बढ़ता है। तो उनका जैसे आप देखोगे रिचार्ज भी बढ़ा दिया उन्होंने, ठीक, निकालना कहाँ से है, गरीब जनता से, आप लोगों से, हम लोगों से, जो एक मतलब हम मुश्किल से जो एक नॉर्मल बंदा है हिंदुस्तान में वो 15-20 हज़ार रुपया बड़ी मुश्किल से कमा पा रहा है आज की डेट में। अब हमारे मेरी दुकान पे 3 एम्प्लॉई हैं जो 15,000, 20,000 या 10,000 रुपये लेते हैं, ठीक है, वो अपना घर चलाते हैं 10,000, 15,000 या 20,000 में। तो मेरे जैसा इसको तो बिजनेस मैन है, दुकानदार है, जो मेरे को 30 साल हो गए इस बिज़नेस में, लेकिन आज की डेट में मेरे अपने घर के खर्चे नहीं निकल रहे हैं, किसी तरीके उनकी सैलरीज बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। तो उस हालत में मतलब जब लोगों का दिल ऑलरेडी जला हुआ है, उसमें इतना शो ऑफ करना, ये मेरे को लगता है एक यहाँ पे तो देखा जाए तो मैं यही कहता हूँ कि डेमोक्रेसी इसके किसे कहते हैं कि सबका एक सारता हो, बराबर हो, लेकिन डेमोक्रेसी का इतना ज़्यादा नुकसान भी ना हो कि एक ही बंदा इतना अमीर हो गया, इतना कि उसके पाँव में सारे कुचले जा रहे हैं। तो ये कुछ विचार थे जम्मू के आम लोगों के इस शादी पर। जब हमने जम्मू के फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात की तो उनका कहना था कि जो इस शादी का इम्पैक्ट रहेगा वो इंडियन इकोनॉमी पे बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए उन्होंने क्या कहा सुनिए। शादी का डेफिनेटली इंडिया पे बहुत बड़ा असर होगा, इंडियन बिजनेस पे, इंडियन इकोनॉमी पे, और आप एक आम इंडियन को इफेक्ट करने जा रही है डेफिनेटली। जी, तो हम बोल सकते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। या डेफिनेटली फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा। मैं आपको ये कहूँगा कि अब एक्सपेंडिचर है, अगर मिस्टर अंबानी एक्सपेंडिचर नहीं करते तो वो पैसा तिजोरियों में ही रहता, एटलीस्ट शादी के बहाने वो पैसा मार्केट में तो आया है।
ये कुछ विचार थे जम्मू के आम लोगों के और जम्मू के फाइनेंशियल एक्सपर्ट के अनंत अंबानी की शादी पर। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए जेके न्यूज़ टुडे। वीडियो जर्नलिस्ट काकाराम के साथ मैं हिमानी कंधारी।